एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो मतदान बूथ है, एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते थे, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ कि एक बूथ पर 1500 मतदाता कर दिया जाए। अभी तक जनपद में 4126 बूथ था और 498 बूथ ऐसे थे जहां पर दो बूथ को मिलाकर 1500 से कम मतदाता हो रहे थे, जिसके बाद दोनों बूथों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसके बाद बूथों की संख्या 4128 से घटकर 3628 हो गया, जिसकी सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दिया गया है। यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिख कर दे सकते हैं, जिससे बूथ को फाइनल कर दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं एक सरल सा तरीका बता रहा हूँ, वोटर हेल्प लाइन सबका हल है। आपको जहाँ जहाँ अपने नाम कटवाने हैं वहाँ का फॉर्म देना है ना, वहाँ केवल आपको एनईडी नंबर देना है, बस कुछ अपलोड नहीं करना है। वो पूछता है एनईडी नंबर, आप एनईडी नंबर बता दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वहां से रिट्रीव कर लेगा, ठीक, ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेगा। और मेरा ये अनुरोध है कि जिंदगी में हमेशा आईपी सेल है और बाहर साइबर कैफे में आप जाके आपको तीन डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका फोटोग्राफ, ठीक, एक आपका बर्थ का सर्टिफिकेट और एक आपका एड्रेस का सर्टिफिकेट। तो ये चीजें सब जगह लगती रहती, आप इनको स्कैन करके अपने मोबाइल में पहले से रख लीजिए, अपने मोबाइल को या अपने उसको आप इक्विप्ड करिए, हमारे इस मोबाइल पे हमारा पूरा जीवन है इसके, सभी जितने भी हमारे सभी। मैंने दो मतलब इग्नू में अभी 10 दिन पहले दो विषयों में एडमिशन ले लिया है, तो अभी आएगा और दो दो साल का कोर्स है दोनों। अभी नया नियम हो गया है कि आप एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं, पहले था कि आप एक साथ एक ही डिग्री ले सकते हैं, अब मैक्सिमम आपका 4 सेमेस्टर 24 सब्जेक्ट, मिनिमम 20 सब्जेक्ट तो हो ही गए, तो 20 सब्जेक्ट की बुकलेट आपके पास आएगी उसी 12,000 रुपये में, और आप बैठे बैठे 2 साल में एक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपका रजिस्ट्री का पेपर है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, आप नेशनल डिपॉजिटरी में डाल दीजिए, स्कैन करके वहाँ, तो आपको कुछ भी लेके नहीं चलना होगा, बस आपका वहाँ आईडी पासवर्ड है, आपने कट से कहीं देना है, आपने वहाँ से उसको डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा है एनईडी, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, ठीक, भाई हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए का, विद्यार्थी को पढ़ रहा हूँ एक तरफ, ओसो को पढ़ रहा हूँ और एक तरफ दो विषयों में जिनमें मैंने कहा वो भी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ इंगेज सेविनेक्स में भी मैंने कहा एडमिशन लेते हैं साले को मैं, तो लगता है कि इसके बावजूद मेरे पास समय ही समय। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज यहाँ जनपद के राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी, उद्देश्य यह था कि जो हमारे मतदान बूथ हैं जहाँ पर अभी तक एक मतदान बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते थे, भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ कि अब ये 1500 मतदाता तक कर दिए जाएं। तो अभी तक हमारे जनपद में 4126 बूथ था और इसमें 498 बूथ ऐसे थे जहाँ पर अगर एक केंद्र पर दो बूथ है, दोनों बूथों को मिलाकर के 1500 से कम मतदाता हो रहे थे, तो दोनों बूथ को मिलाकर के एक कर दिया गया, और जो अभी तक 4126 बूथ थे हमारे यहाँ, अब वो 3628 बूथ हो गए। इनकी सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दिया गया है कि इसको देख लें, इसका अध्ययन कर लें, यदि कहीं कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति को जल्दी से जल्दी विद इन वीक दे दें, जिससे हम लोग इसको फाइनलाइज करा सकें। बहुत धन्यवाद। बाकी सर जो बूथ है वहाँ के वो उसी केंद्र पे रहेंगे, उनका बूथ समाप्त हो रहा है लेकिन केंद्र उनका वही रहेगा जहाँ पर पहले केंद्र था।